दामा डुंगरी महादेव का मंदिर का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। सामने आप लोग को बागर का पहाड़ दिखाई दे रहा है। मंदिर का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ सामने बेहतरीन नजारा देखिए, पहाड़ी एरिया है। दामा डुंगरी मंदिर का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। चारी तरफ बंदा रहेगा। पार्थपुर ब्लॉक की तरफ से आप लोग को स्वागत है। मैं आज दामा डुंगरी महादेव टेम्पल में आया, जो हिल स्टेशन है। इस तरफ पागर का पर्वत है, मंदिर उस तरफ है। मंदिर का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। नरेंद्र भाई साथ में है। नरेंद्र भाई, ये मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। सबको नमस्कार। ये दामा डुंगरी है, दामा डुंगरी नाम की जगह है, जो पावागढ़ के एकदम पास ही में, जो सामने एकदम पावागढ़ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं सामने पावागढ़ है। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन शंकर भगवान का मंदिर है, जिसका शिवलिंग का आकार बहुत बड़ा आकार है। ये मंदिर में आने के लिए आप लोग को बड़ौदा सिटी से करीब 45 किलोमीटर के आसपास आना पड़ेगा। और पार्किंग का अच्छा जगह है, देखिए पार्किंग एरिया है। और अब अभी हम लोग मंदिर का तरफ जा रहा हूँ। नजारा भी है, देखिए पागर का पर्वत है, मंदिर इस तरफ है। महादेव का मंदिर भी उस तरफ है और दुर्गा माता का मंदिर भी उस तरफ है। और ये मंदिर, ये चारों देवियों का मंदिर अलग है, चारों देवी का अलग मंदिर है। और पागर का पर्वत उस तरफ है, सामने है। सभी को बोलेंगे तो आने के लिए, अरे दामा डुंगरी आप लोग आएंगे, पावागढ़ आते हैं तो दामा डुंगरी जरूर आइए। बहन है, अभी हम लोग दुर्गा मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और शिवलिंग को दर्शन करने के लिए। हनुमान जी को दर्शन करिए। जय बजरंग बली। आप बोल रहे थे 12 मास, तो 365 जो बांदर इधर रहता है, इसका भी एक कारण है। ये हनुमान जी की देवी जैसा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप किसी भी सीजन में आइए, कभी भी आइए, आपको वानर सेना यहाँ पे उपस्थित मिलेगी। मिलेगा, ये भी एक चमत्कार है। चमत्कार, ये अश्वगंधा का पेड़ है देखिए। और विश्वामित्र ऋषि है, भगवान विश्वामित्र। ले ले, मंदिर एरिया बहुत बड़ा एरिया है। छोटा बच्चा के देखिए, भगवान को दर्शन करने के लिए आया। हम लोग भी जा रहे हो भगवान को दर्शन करने के लिए। बोलिए हर महादेव, हर महादेव। शिवलिंग को दर्शन करने के लिए अभी हम लोग जा रहे हो, शंकर भगवान को दर्शन करने के लिए जा रहे हो। Thank you.
बड़ा शिवलिंग है, हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। गणेश भगवान की मूर्ति देखी, शिवलिंग को दर्शन करें। शिवलिंग तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, केदारनाथ महादेव, केदारनाथ महादेव के जैसा आकार है शिवलिंग का। शिवलिंग को दर्शन करिए, शंकर भगवान को दर्शन करिए। दुर्गा माता का मंदिर दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, माँ दुर्गा को दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। दुर्गा माता मंदिर बहुत ही बेहतरीन, मंदिर का आकार देख, त्रिकोणाकार है। मंदिर दर्शन करिए, दुर्गा माता जी का मंदिर। माँ दुर्गा को दर्शन करिए। जय दुर्गे माँ, जय माँ शेरावाली। माँ दुर्गा दर्शन करिए। जय माँ दुर्गे, जय दुर्गे दुर्गवासिनी, जय माँ दुर्गे, जय दुर्गे दुर्गवासिनी, जय माँ दुर्गे, जय दुर्गे दुर्गवासिनी। दुर्गा माँ को दर्शन करिए, माँ दुर्गा को दर्शन करिए। दुर्गे माता की जय, माँ दुर्गे की जय। हम लोग अभी माता जी का मंदिर परिक्रमा कर रहा हूँ, दुर्गा माता जी का मंदिर परिक्रमा कर रहा हूँ। त्रिकोणाकार मंदिर है भगवान का, माता जी का। दुर्गा माता जी का मंदिर परिक्रमा कर रहा हूँ। जो मूर्ति है वो इतना जगता मूर्ति है कि बस अभी बोल पड़ेगी माता, इतना बेहतर, इतना सुंदर इनकी मूर्ति है। अच्छा, तो जरूर आप लोग आइए, आइए दर्शन करिए। जय माँ दुर्गे, जय दुर्गे माँ दुर्गे। मंदिर प्रांगण दर्शन करिए, बहुत ही बड़ा एरिया लेके मंदिर है, मंदिर का प्रांगण है। मंदिर का प्रांगण देखिए, बहुत ही बड़ा प्रांगण है ना नरेंद्र भाई, बहुत ही अच्छा है।
मंदिर है ये सरस्वती माता जी। महाकाली का मंदिर है, महाकाली का मूर्ति है, देखिए महाकाली का दर्शन करिए। माता जी का मूर्ति देखिए, चारों दिशा में माता जी का मूर्ति है। माता जी का मूर्ति है देखिए, चारों दिशा में चारों माता जी का मूर्ति। ये जो पहाड़ और माता जी दोनों सामने सामने है, एकदम महाकाली माता का जो मूर्ति है, हाँ एकदम इनके एग्जैक्ट मूर्ति के सामने है, हाँ पावागढ़ माता का मंदिर। अच्छा, अभी मूर्ति इसी तरह, अच्छा अच्छा, दोनों सामने सामने है, महाकाली और पावागढ़ का पर्वत। बहुत बढ़िया है, उधर से आकर नीचे से ना एक नंबर ही है ना, क्या बेहतरीन श्री बनाया ना। चलो आ जाओ दीपी। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। महादेव का कृपा से आप लोग सब अच्छा रहना। टेक केयर।